भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए केंद्र में मजबूत सरकार होनी चाहिए। महाराष्ट्र के सोलापुर के माधा में हुई रैली में बोले पीएम मोदी, कहा आपके सहयोग से बनेगा मजबूत हिंदुस्तान। भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए केंद्र में ऐसी ही मजबूत सरकार चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे राम की शरण में, अयोध्या में करेंगे रामलला के दर्शन। इंदौर में ताई सुमित्रा महाजन के बाद बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किया लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार, ट्वीट कर किया ऐलान। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर दिग्विजय सिंह के खिलाफ लड़ सकती हैं चुनाव, भोपाल लोकसभा सीट से होंगी बीजेपी की उम्मीदवार। हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करती है, लेकिन ये धर्म युद्ध मानती हूं और धर्म युद्ध है भी, क्योंकि अब तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि देश में ही रहने वाले देशद्रोही की भूमिका में आते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने की वायनाड के तिरुनेल्ली मंदिर में पूजा, केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं राहुल। वेल्लोर में कैश मिलने के बाद चुनाव रद्द, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद इतिहास में पहली बार रद्द की गई वोटिंग। तमिलनाडु में जारी आईटी और चुनाव आयोग की छापेमारी, अब तक 510 करोड़ से ज्यादा की राशि हुई जब्त, कनिमोझी के घर भी हुई थी छापेमारी। आंधी तूफान से कई राज्यों में भारी तबाही, 30 से अधिक लोगों की मौत की सूचना, आज भी खतरे का अलर्ट जारी। गुजरात में आंधी तूफान के कहर से पीड़ितों के लिए मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। आज पीएम मोदी की बायोपिक देखेगा चुनाव आयोग, रिलीज पर होगा फैसला। 5 अप्रैल को फिल्म होनी थी रिलीज। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई पीरियड ड्रामा फिल्म कलंक, 80 करोड़ के बजट में बनी है फिल्म। हैदराबाद और चेन्नई के बीच आज होगा चेन्नई के राजीव गांधी स्टेडियम में मुकाबला, हैदराबाद को हराकर प्लेऑफ का टिकट पक्का करने उतरेगी चेन्नई। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।